झारखंड के राजनीतिक गलियारों में इरफान अंसारी, नमन विक्सल और राजेश कश्यप ने मानो भूचाल ला दिया हो। कांग्रेस पार्टी के राज्य से लेकर राष्ट्र तक हलचल तेज हो गई है। इस बीच आदेश आता है कि इन तीनों ही विधायकों को पार्टी ने निलंबित कर दिया है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर शुरू होता है। पहले झारखंड कांग्रेस की ओर से अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि पार्टी के आलाकमान यानी सोनिया गांधी ने आदेश दिया है कि तीनों ही विधायकों को निलंबित कर दिया जाए। अविनाश पांडे ने कहा कि पूरे देश भर में भाजपा लगातार ये प्रयास कर रही है कि जहां भी उनकी सरकार नहीं है वहां गैर संवैधानिक तरीके से सरकार बनाई जाए, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। अविनाश पांडे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि उन्हें कतई ये कहते हुए गुरेज नहीं है कि तीनों ही विधायक दल को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। माननीय कांग्रेस अध्यक्षा ने कल जो हमारे तीन विधायक इस कृत्य में और पार्टी के अंदर लोगों को गुमराह करने में जो कोशिश उनके संलिप्त थे, उनको पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। ये घोषणा आज इस मंच से मैं कर रहा हूं। आने वाले दिनों में जो भी ऐसे कोई, चाहे जनप्रतिनिधि हो, पार्टी का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी हो या कोई कार्यकर्ता हो, हर एक की जानकारी समय समय की है और जो कोई भी इससे जुड़ा हुआ या इसमें लिप्त पाया जाता है, पार्टी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अभी अविनाश पांडे का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म भी नहीं हुआ था कि इस बीच एक और खुलासा होता नजर आता है। बेरमो से विधायक अनूप सिंह ने तीनों ही विधायकों के खिलाफ अड़गोरा रांची थाने में FIR दर्ज करा दिया था। FIR में अनूप सिंह द्वारा लिखा गया था कि तीनों ही विधायक द्वारा उन्हें कोलकाता आने को कहा जा रहा था। पैसे के साथ साथ नई बनने वाली सरकार में मंत्री पद का भी लोभ दिया जा रहा था। अनूप सिंह ने अपने FIR में यह भी दर्ज कराया है कि इरफान अंसारी ने उन्हें बताया कि उन्हें यानी इरफान अंसारी को स्वास्थ्य मंत्री का पद ऑफर भी मिला है और पैसे भी ट्रांसफर कर दिए गए हैं। कोलकाता में उनकी मुलाकात आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से कराने की बात कही जा रही थी। कोई मकसद वैसा नहीं है जो पूर्व के भांति मैंने FIR किया था, उसका आज उजागर होने का संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें खराब हो रही है झारखंड में, हमारे विधायकों पे आरोप लगाया जा रहा है और पैसे पकड़ाए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसको देखते हुए ये FIR किया गया है। बात बाकी प्रदेश अध्यक्ष जी के नॉलेज में है, प्रभारी जी के नॉलेज में है, और जो पैसा पकड़ाया 48 लाख रुपए, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अनूप सिंह ने इस FIR को दर्ज कराया और इस बीच कांग्रेस की ओर से विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सब कुछ क्लियर कर दिया। आलमगीर आलम ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जिस तरीके से विधायक खरीद फरोख्त की बात हो रही है, अनूप सिंह के FIR के बाद बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है। पर अनूप सिंह का FIR एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। सवाल ये कि जब ये पूरा मामला चल रहा था तो क्या अनूप सिंह को इसकी जानकारी पार्टी आलाकमान को नहीं दी थी? और अगर पार्टी आलाकमान के पास सूचना थी तो पार्टी आलाकमान मीडिया में तमाम बातों को हाईलाइट होने से पहले कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी? जब यह सवाल आलमगीर आलम यानी कि विधायक दल के नेता से किया गया कि क्या पार्टी को अनूप सिंह ने यह जानकारी पहले दी थी, तो आलमगीर आलम हंसते हुए सवाल को टालते नजर आए। हालांकि जब यह सवाल राजेश ठाकुर से किया गया तो राजेश ठाकुर अस्पष्टता के साथ कहते नजर आए कि जी हाँ, अनूप सिंह ने यह जानकारी दी थी। नहीं, देखिए, पार्टी को हमेशा वो लगातार सूचना दे रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि सूचना नहीं मिल रही थी। सूचना मिल रही थी, सारी बातों को जब तक कोई घटना घटित नहीं हो जाती है तब तक हम लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम जब 2 दिन पहले विधायकों की बैठक बुलाते हैं और सारे विधायक शामिल होते हैं, तो उस दौरान अगर उनकी बातें कहीं जो जा रही है वो झूठी हो जाती है, लेकिन जब इस तरह की घटना सामने आती है तो बात सच हो जाती है। सवाल ये उठता है कि जब अनूप सिंह ने यह जानकारी दी थी और पार्टी आलाकमान को ये सारी बातें मालूम थी, तो फिर पार्टी कार्रवाई करने से क्यों बच रही थी? क्या पार्टी इस इंतजार में थी कि पैसे के साथ साथ इरफान अंसारी पकड़े जाएंगे, कांग्रेस की थू थू होगी और उसके बाद कार्रवाई होगी, या फिर अंदर खाने कुछ और चल रहा था?